बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे ज़र्दा बहुत ही इजी तरीके से। तो हमने चावल को भिगो के रख दिया था एक घंटे पहले ही, और यहाँ पर हमने कढ़ाई ली है, आप भगोना भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कप शुगर ऐड की है और थोड़ा सा मिल्क इसमें डाल देंगे, और इसे मीडियम आंच पर इसे मेल्ट कर लेना है। थोड़ा सा दूध फिर से हमने डाल दिया है, और ये जो चावल हमने बॉईल करके रख लिए थे ये पूरे हमने बॉईल किए हैं, ये कच्चे चावल नहीं है, थोड़े से भी हमने कच्चे नहीं रखे हैं, ये बिल्कुल हो गए थे चावल तब हमने इसे छाना था। और इसे इसके अंदर मिक्स करके मीडियम आंच पर ढककर हमने इसे पकने के लिए छोड़ दिया था। फिर उसके बाद कलर हमने रख लिए थे, तो यहाँ पर ग्रीन कलर लिया है, येलो कलर है और रेड कलर है। इन तीनों को दूध में मिलाकर इसमें डाल के इसे फिर से ढक के रख देंगे और ये अच्छे से सीझ जाएंगे। और ये देखिए, फिर उसके बाद हमने कपड़ा रख के इसके ऊपर ढक्कन रख दिया था और ये सीझने के लिए छोड़ दिया था हल्की आंच पर। और यहाँ पर हमने खोया मिक्स कर लिया है, अगर आपके पास खोए वाली मिठाई है तो आप वो भी डाल सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट रखे थे, तो यहाँ पर हमने घी लिया है, आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। और इसके बाद हमने यहाँ पर काजू, बादाम, नारियल काट के रखी थी, तो वो डाल के थोड़ा सा इस तरीके से सौते करेंगे। फिर उसके बाद हमने इसे जर्दे में मिला दिया था, यहाँ पर हरी इलायची और दो लौंग भी हमने इसी घी में डाल दिया था। और ये देखिए, इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। अगर आपका ज़र्दा थोड़ा सा कच्चा रह जाए या चावल थोड़े से कच्चे रह जाएं तो आप यहाँ पर थोड़ा सा दूध का छींटा भी दे सकते हैं, फिर उसके बाद सिझा लीजिए तो चावल बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी टूटी फ्रूटी पड़ी थी तो वो डाल दी है हमने, ग्रीन, येलो और रेड, तो ये तीनों मिक्स कर दिया। फिर उसके बाद हमने प्लेट में सर्व कर लिया था इसे, ऊपर से थोड़ा सा खोया और हमने डाल दिया है। खोया डालने के बाद ऊपर से हमने चेरी रख दी है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं वरना इसे स्किप कर दीजिएगा। और ये देखिए, हमारा खिला खिला सा ज़र्दा बनके रेडी हो चुका है। ये बहुत इजी तरीके से हमने बनाया है, तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरी रेसिपी को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट में हमें बताना कि आपको किस तरीके की रेसिपी पसंद है जो हम आपके साथ शेयर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर द वीडियो। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।